लगातार विरोधियों के निशाने पर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार के एक दैनिक अखबार में छपे बयान ने उनके विरोधियों को फिर से आक्रामक कर दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के अखबार में छपे बयान जिसमें उन्होंने अपने विरोधियों को बीजेपी से संस्कार सीखने की नसीहत दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान पर अंतर कलह फिर सामने आ गया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिन्हा ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि जो सच में कांग्रेसी है उसे किसी से संस्कार लेने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अजय पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि ऐसा बयान वही अध्यक्ष दे सकता है जो पार्टी को गर्त में ले जाना चाहता हो या फिर जिसे दूसरे दल में जाना हो। यह दुर्भाग्य है और आज हम यह दुर्भाग्य से कह सकते हैं कि डॉक्टर अजय हमारा प्रदेश अध्यक्ष है। जो प्रदेश अध्यक्ष अब कांग्रेस जनों को भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति सिखाती हो या सीखने के लिए कहता हो, वैसे प्रदेश अध्यक्ष इस राज्य में नहीं चाहिए। हम कांग्रेस जन वैसे प्रदेश अध्यक्ष को एक मिनट भी टॉलरेट करने की स्थिति में नहीं है। डॉक्टर अजय को अगर सीखना है तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं और उनकी सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरह अडॉप्ट करें। डॉक्टर अजय कुमार के इस बयान पर प्रदेश कांग्रेस पल्ला झाड़ती दिखाई दी। कांग्रेस प्रवक्ता शमशेर आलम ने इस मसले पर कहा है कि अध्यक्ष ने किस संदर्भ में ये कहा, इसके बारे में खुद अध्यक्ष ही कुछ कह सकते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस की अपनी विचारधारा और संस्कार है, इसलिए पार्टी को किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी आइडियोलॉजी को हम लोगों ने अडॉप्ट नहीं करके उसका विरोध लगातार कांग्रेस पार्टी करती रही है, करेंगे और भविष्य में आगे भी उस आइडियोलॉजी का विरोध करते रहेंगे। जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी और भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी, बिल्कुल ही काफ़ी भिन्नताएं हैं और हम राष्ट्रवाद बनाने वाले लोग हैं, हम गंगा जमुनी तहजीब देने वाले लोग हैं, हम राष्ट्र को कैसे नौजवानों को किसानों को विकास की मुख्य धारा से जोड़े, ये हमारा आइडियोलॉजी है और बाकी जो भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी है वो जग जाहिर है, इसलिए हमको किसी के नकल करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर अजय कुमार के इस बयान की निंदा दबी जुबान में हर कांग्रेसी कर रहा है क्योंकि आज तक बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाने और उनकी आइडियोलॉजी पर सवाल खड़े करने वाली कांग्रेस के झारखंड अध्यक्ष बीजेपी से संस्कार सीखने की बात कर रहे हैं। कैमरामैन उमेश के साथ विपिन उपाध्याय की रिपोर्ट।